अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ भगानी है। मैं फैजान स्टील के ऑनर्स में हूँ। एक्चुअली हमारे वालिद साहब का कारोबार था शिप ब्रेकिंग का। शिप ब्रेकिंग अडानी यार्ड में हम लोग शिप ब्रेकिंग जहाज़ मंगवाते थे। उसमें से हम जो उसकी प्लेट्स निकलती थी, हम बेसिकली लाहौर में और यहाँ मिल वालों को देते थे। तो उसी से हम लोग रागिब हुए कि नहीं यार, हमारी खुद की अपनी इंडस्ट्री होनी चाहिए। ताकि हमारा अपना रॉ मटेरियल है, हम इसी को, हम रॉ मटेरियल को हम क्यों नहीं स्टील बार बनाएं, ताकि ये हमारा मैन पावर भी था, बच्चे भी थे। वालिद साहब ने चाहा बच्चे सेट भी हो जाएंगे और ये नए एक कारोबार है, हमें इंडस्ट्री मिल जाएगी। इस तरीके से हमने आगाज़ किया था शिपलेट से, जो बेसिकली रॉ मटेरियल हमारा अपना था, जो शिप ब्रेकिंग हमारी थी। उससे हमने आगे मिल लगा के शिपलेट का हम स्टील टोर बार सरिया बनाते थे। तो यहाँ से हमने अपना ये आगाज़ शुरू किया है। वो कमिटमेंट है हमारा, जो भी हम वादा करते हैं, हमारा कमिटमेंट है जो वो हम पूरा करते हैं। चाहे वो मार्केट, चाहे फ्लक्चुएशन हो, जो इनका हमारा वादा है जो क्वालिटी का, एक सर्विस का, वो हमारे मियार है। हमारी नज़र में रेट कोई इशू नहीं होता कि हम, मतलब रेट चाहे कोई भी हो, चाहे रुपया ज़्यादा हो कम हो, हमारी बस नज़र में ये है कि जो हमारे जो भी कस्टमर है, उनको इसकी सर्विस, इनको इनकी क्वालिटी, इनकी कमिटमेंट जो है ना वो पूरी की जाए। इनको स्टील तो हर कोई दे देता है, हर मिलें दे रही हैं, बड़ी बड़ी मिलें बैठी हुई हैं। मेन एक होता है कि इंश्योर्ड होता है कि नहीं यार, जो बंदा जो दे रहा है, सामने वाला बंदा, वो मुझे वही चीज़ देगा जो उसने वादा किया है। ये हमारी पहचान है, तहफ़ुज़ की पहचान फैजान स्टील। यार सही मानो में देखा जाए तो कोरोना से हमें कोई नेगेटिव तो कुछ नहीं है, हमें बल्कि फ़ायदा ही हुआ है। 23 मार्च को आई थिंक लॉकडाउन शुरू हुआ था। हमारे पास बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लेवल नहीं है, मतलब फिक्स हमारी सैलरी है। मार्च की तो हमारे प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 80-85% कर चुके थे, तो उस महीने तो हमें कोई लॉस नहीं था। अप्रैल में हमें कहा जाए कि भाई हमारे पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे, हमें उनको सैलरी देनी थी। उसका भी बेनिफिट ये हुआ कि जो सिंध गवर्नमेंट है, ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इमरान खान के खोलने के बावजूद उन्होंने अलाउ नहीं किया था इंडस्ट्री हमें खोलने का। तो यहाँ पे इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि जो हमारी इन्वेंट्री थी वो सब फारिग हो गई। तो ये बेसिकली हम इन्वेंट्री पिछले 4 साल से हम फ्री नहीं कर सके थे। आज भी हमारे पास इन्वेंट्री होती है, हर कोई बंदा इन्वेंट्री लेके चलता है। तो इतनी शॉर्टेज थी जो इमरान खान की इंडस्ट्री को ओपन करने से, कि वो हम सब लोग अप्रैल मई में हमारी मिल ज़ीरो हो गई थी, कोई सरिये का पीस नहीं बचा हुआ था। तो बेसिकली खैर कोरोना एक वबा है, लोगों को तकलीफ भी हुई है। मैं इंडस्ट्री मतलब हम नहीं कहता था हमें किसी किस्म का सफ़र किया हो या हमें कोई परेशानी हुई हो। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करे, गवर्नमेंट तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बेसिकली हमारी जो प्रोडक्शन है 15,000 पर मंथ है। अब आप रेवेन्यू में इस तरह कर लें कि हमारी जो पर या मंथ सेल है वो 2.5 बिलियन की है। तो यही आज से 1 साल पहले कोरोना आने से लेके कोरोना आने से 2 महीने पहले था, कोरोना के वक्तों में यही हमारी 15,000 थी, जो हमारी सेल बनती थी 1.5 बिलियन की। 1 बिलियन की हमारी सेल अगर भरी है तो 15,000 टन ही भरा हुआ है, मतलब रुपीस में हम 1 बिलियन पे आ गए हैं। तो 1 बिलियन से देखा जाए तो मैं गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा हूँ, मेरा 70% के हिसाब से मैंने कितना गवर्नमेंट को, और मैंने सेल टैक्स दे दिया, कितना इनकम टैक्स दे दिया है। गवर्नमेंट ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, बल्कि हमने गवर्नमेंट को और ज़्यादा दे दिया है। टनेज वही है, वही प्रोडक्शन है, वही कैपेसिटी है। मुल्क में वही पहले 70 लाख टन सरिया चाहिए था, आज भी साल के 70 लाख टन सरिया चाहिए। अमाउंट्स में वो 70 बिलियन की जगह समझ लो 140 बिलियन भी चला गया है। तो गवर्नमेंट को फ़ायदा ही हुआ स्टील सेक्टर से। गवर्नमेंट ने क्या दिया इसके बदले हमें? ऑडियंस को भाई यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि इस वक्त जो भी कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक बंदा एक पान का ठेला चला रहा हो, चाहे लूम्स हो, चाहे बड़ी टेक्सटाइल हो या स्टील इंडस्ट्री हो, उनको यही मेरा कहना है कि कभी भी आप अपनी इंडस्ट्री से सरमाया निकालें मत। जो आप कमा रहे हैं उसको कोशिश करें कि आपने अगले 2 साल तक 90% आपने दोबारा इन्वेस्ट करना है, उसके 2 साल बाद अगले 2 साल तक 80% इन्वेस्ट करना है, 20% निकालें। हमारा यही होता है कि भाई, मतलब बहुत से हमारे साथ ही मिले हैं जो 97 से, आप बड़े बड़े नाम उठा के देख लें कि फैजान स्टील के नाम उस वक्त था भी नहीं और बड़े बड़े नाम थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा नाम, मतलब वो अभी भी समझ लें कि वो दिन का 100 टन माल बना रहे हैं, हम दिन में अल्लाह का शुक्र 1000 टन के करीब पहुँच गए। मतलब कहने का मकसद है कि आपको वक्त के साथ चलना है, क्योंकि अब हमारा कंपटीशन सामने पड़ोस वाली मिल से नहीं है, अब हमारा मुकाबला चलना है आगे मुल्कों से, चाहे उसमें चाइना हो चाहे इंडिया हो। क्योंकि ये इनकी जो ह्यूज प्रोडक्शन है, अगर ये मार्केट में आ गई, अगर आपने अपनी इंडस्ट्री को मतलब इस काबिल नहीं बनाया तो आप इनको मुकाबला नहीं कर सकते। फिर यही होगा कि सब इंडस्ट्री बंद हो के ये लेबर बैठी होगी, मेरे पास 400 आदमी की जगह सिर्फ 10 आदमी काम कर रहे होंगे, हम चाइना का सरिया बेच रहे होंगे और ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और लोगों के लिए ये ज़्यादा इजी है कि यार ये ज़्यादा हो जाए हमारे लिए अच्छा है, हम क्यों इंडस्ट्री करें, क्यों 400 लोगों का पेट पालें। तो ये गलत है। अब तो इंडस्ट्री को इस काबिल बनाओ कि आप इनका मुकाबला कर सको। भाई यही मेरा मैसेज है कि कोई मतलब सरमाया निकाले नहीं, री इन्वेस्ट करते रहें और वक्त के साथ चलते रहें।